हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी स्पेशल उकड़ी चमोदक गणेश जी को मोदक बहुत ही प्रिय होते हैं और इस बार आप भी गणेश पूजा पर ट्रेडिशनल तरीके से मोदक बनाइए और गणपति बप्पा को भोग लगाइए इसे बनाना बहुत ही ईजी है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और एक कप पानी ऐड कर देंगे स्वाद के लिए इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे अगर आपका मन ना हो तो ऐड नहीं भी कर सकते हैं भर के एक चम्मच घी डालेंगे और अच्छे से इस पानी को मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे यहाँ हम आधा कप आटा से आज मोदक बना रहे हैं आटा को अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ज़्यादा पानी नहीं डालना है नहीं तो यह गीला हो जाएगा और फिर इसे बाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा माप कर ही डालना है हमने आधा का पाटा के लिए लगभग एक कप पानी डाला है बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर हम ऐड करेंगे दोस्तों आटा बाइंड हो चुका है तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढककर ऐसे ही रख देंगे स्टीम से यह और भी थोड़ा सा पक जाएगा तो जब तक यह स्टीम में सेट हो रहा है तो चलिए मोदक का स्टफिंग तैयार कर लेते हैं हाँ तो फिर से एक साफ पैन ले लेना है और एक चम्मच घी डाल देना है तीन से चार इलायची को हमने कोट लिया है और इसके पाउडर को इसमें अभी डाल देते हैं एक कप ग्रेट किया हुआ कच्चा नारियल डालेंगे और साथ में आधा कप गुड़ डाल देंगे अब गैस के फ्लेम को मीडियम लो पर रखकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुड़ को गलने तक लगातार इसे चलाते रहना है हाँ तो गुड़ हमारा गल चुका है अब पाँच से छः मिनट इस स्टफिंग को चलाते हुए पका लेंगे दोस्तों कलर जब आपको इसका गहरा दिखने लगे तब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक बॉल में निकाल कर रख देंगे तो चलिए हमारा स्टफिंग तो तैयार हो चुका है अभी हम मोदक को बनाना स्टार्ट करते हैं आटा को हमने निकाल लिया है और इसे अभी हम अच्छे से गूंथ लेंगे जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं वैसे ही इसे गूँथ लेना है गूंथते वक्त अगर आपको आटा ज़्यादा टाइट लगे तो हल्का हल्का पानी डालकर इसे गूँथ लें दोस्तों ये चावल का आटा है तो हाथ में थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा एक चम्मच के लगभग घी डालेंगे और आटा में मिक्स करके अच्छे से आटा को सेट कर लेंगे इससे मोदक का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ आएगा और मोदक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा दोस्तों हमने ना ऐसा एक मोदक मोल लिया है और आज हम इसी मोदक मोल से मोदक को बनाएंगे और अगर आपके पास मोदक मोल नहीं है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आप इसे हाथ से ही बना सकते हैं जैसे हम लोग मोमो बनाते हैं उसी तरह से आप मोदक को भी बना सकते हैं छोटा सा लोई काट लेना है और इसे एकदम छोटा सा बेल लेना है स्टफिंग को भरकर मोमो जैसा ही इसके किनारों को बंद कर देना है तो आपका मोदक एकदम हाथ से ही तैयार हो जाएगा और बहुत ही सुंदर दिखेगा हाँ तो अभी हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इस मोल के भीतर डाल देंगे अंगूठा से दबाते हुए किनारों को फिल करते जाएंगे स्टफिंग को भरने के लिए बीच में थोड़ा सा जगह रखेंगे और मोल्ट के किनारों पर आटा लगाते जाएंगे देखिए इस तरह से हमने बीच में जगह को बना लिया है अब थोड़ा सा नारियल का स्टफिंग बीच में भर देंगे और थोड़ा सा आटा लेकर इसके ऊपर इसका मुंह बंद कर देंगे बस मोदा का सिप बन गया है तो धीरे से भी इसे खोल लेंगे और इसी तरह से सभी मोदा को बनाकर हम लोग फटाफट तैयार कर लेंगे तो दोस्तों देखिए मोदक हमारा रेडी हो चुका है चलिए अब हम इसे स्टीम में पका लेते हैं हमने मोमो स्टीमर में पानी उबलने रख दिया था और इसे ग्रीस भी कर लिया है और अभी इसमें मोदक को रख देंगे अगर आपके पास मोमो स्टीमर नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं कढ़ाई में आप पानी डाल दें और स्टील का स्ट्रेनर आता है ना जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं उस स्ट्रेनर में ऑयल से या घी से ग्रीस कर ले और कढ़ाई के ऊपर उस स्टील के स्ट्रेनर को रख दे और उसमें मोदक को रख दे और ढककर आप मोदक को कढ़ाई पर भी बना सकते हैं तो हमने मोदक को इसमें रख दिया है गैस के फ्लेम को मीडियम हाई पर रखना है और अभी हम ढक्कन बंद करके मोदक को दस से पंद्रह मिनट स्टीम करेंगे तो दोस्तों दस मिनट हमारे हो गए हैं अभी हम मोदक को चेक कर लेते हैं मोदक अभी साइन साइनी दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से स्टीम में पक चुका है इसे अभी हम उतार लेते हैं और हल्का सा ठंडा होने देते हैं तो दोस्तों मोदक को हमने स्टीमर से निकाल लिया है और इसे प्लेट में रख देते हैं और दोस्तों हमने ना वन टेबल स्पून मिल्क लिया है और इसमें थोड़ा सा चीनी और केसर के कुछ धागों को मिलाकर एक घोल बना लिया है इसे अभी हम मोदक के ऊपर एक दो बूंद करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे इससे मोदक बहुत ही प्यारा दिखेगा और हमारे गणपति बप्पा को बहुत ही पसंद आएगा तो दोस्तों मोदक हमारा रेडी हो चुका है और अब इस मोदक को गणेश जी को ज़रूर से भोग लगाइए और आपको यह मोदक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले आगे हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज और भी देखने के लिए तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बाय